सो आज होगा इसका रेंज टेस्ट इन द हाइपर मोड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज बीस बाइकर। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिस ओला S1 प्रो जनरेशन 2। सो आज होगा इसका रेंज टेस्ट इन द हाइपर मोड। सो ऑलरेडी मैंने 5.8 किलोमीटर इसको चला लिया है घर से। टोटल जो किलोमीटर 5.8 किलोमीटर जितना भी चला है वो हाइपर मोड पे ही चलाया हुआ है। रेंज इट इज शोइंग 93 किलोमीटर, समथिंग उतना नहीं जाएगा वो, और एक जाके 80 किलोमीटर तक जाएगा। तो इसका जो स्पीड आज का है वो मैं मेंटेन रखूँगा 75 से लेके 85। तो आज इस वीडियो में मैं इसको फुल पोटेंशियल पे भगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 80 के ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, 80 तक मेंटेन रखूँगा स्पीड। 80 इज़ इनफ आई गेस। ओके, सो लेट मी टेल यू कि टाइम कितना हुआ है। टाइम इट इज़ अराउंड 9:55। तो इसको आज भी चार्ज होने में बहुत टाइम लग गया है, चार्ज होने में बहुत टाइम ले रहा है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में डिले हो रहा है। तो आज के वीडियो में आई गेस इसका जो रीजन है इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, तो मुझे और थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि रेंज के मामले में कभी भी बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं थ्रोटल आगे की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो रीजन है वर्क नहीं कर रहा है। आई डोंट नो वाई, अगर ये फीचर वाइज ऐसा ही है या कुछ इशू आया है, आई डोंट नो, तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। और वन मोर थिंग, इसको मैं अबाउ 70 क्रूज कंट्रोल में नहीं डाल पा रहा हूँ, तो वो एक चीज़ है। आई गेस इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। सो ठीक है, आज वो तो कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना 80 के स्पीड में तो मैं इसको क्रूज़ कंट्रोल पे डालूंगा नहीं। तो इसका सिर्फ लो बीम ऑन है, बाकी सब चीज़ें ऑफ है। तो हॉर्न भी मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ आज, ब्रेक यूज़ करने पड़ेंगे मुझे। रीजन तो हाँ, अब भी काम कर गया रीजन। तो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर के बाद इसका रीजन अभी काम कर रहा है। आई डोंट नो ये क्या इशू है इसमें। मैंने जितने भी वीडियो बनाए ना, ऑलमोस्ट एक 5-6 किलोमीटर के बाद ही इसका रीजन वर्क करना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर तक स्ट्रेट जाऊंगा और उसके बाद में रिटर्न ले लूँगा, क्योंकि वापस वही अपना जो 20% के बाद ही अपना आएगा नॉर्मल मोड पे, और नॉर्मल मोड के बाद सीधा आएगा अपना इको मोड पे 15% पे, तो वो एक है। सो आज गर्मी बहुत है और टाइम बज रहा है 10 सुबह के, तो और 2 घंटे में तो हालत टाइट होने वाली है। लेकिन आज मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं इसको खींच पा रहा हूँ आज के टाइम। इसके मिरर बहुत लूज हो चुके हैं, बार बार नीचे आ रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी ना बहुत इश्यू है इस बाइक में। सो रेंज के ऊपर तो ये लास्ट वीडियो होगा, और मैंने जितने भी अभी 2 वीडियोस डाले हुए हैं ऑलरेडी, इको मोड का और अपना नॉर्मल मोड का, इस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई होप इस पर भी आए। सो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। डेढ़ किलोमीटर तो ओडो पे शो कर रहा था, मीन्स यू कैन से कि 90 किलोमीटर तो जाएगा ना। आई हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट अराउंड 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर पे अभी रेंज दिखा रहा है 81। लेकिन इसका हाइपर मोड में चलाने का मज़ा अलग है, क्या पुल करता है ये। जब तक आप डिस्प्ले पे देखोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या स्पीड में चल रहे हो, क्योंकि इतने जल्दी ये 100 तक पहुंच जाती है। और तो रेंज की बात करूँ तो आई गेस अभी ऑलमोस्ट अराउंड 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ चुका है। स्टार्टिंग में जब मैं निकला था तब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ये जाएगा ऐसा कोट कर रहा था ये डिस्प्ले, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे 2 किलोमीटर डेप्रिशिएट हुआ दिख रहा है। ओके, पणजी तो पहुंच गया मैं ऑलमोस्ट। आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को, ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर ही पहुंच गया हूँ मैं। सो ये एक बेनिफिट और एडवांटेज है। तो अभी टाइम बज रहा है 10:22, 10 बजे से पहले ही मैं निकला था घर से। सो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया इधर पणजी पहुँचते पहुँचते। अभी सो यहाँ पर रुकता हूँ और मैं थोड़ा अपडेट दे देता हूँ इसके बारे में।
So yes, 33.5 किलोमीटर कंप्लीट फ्रॉम द प्लेस आई हैव स्टार्टेड. सो इट इज इन द हाइपो मोड और यहाँ पे 66 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है. दैट मींस बैटरी परसेंटेज 61. यहाँ पे व्हीकल स्टेटस में ऑलमोस्ट 33.5 किलोमीटर कवर जो कि मैंने हाइपर मोड पे किया है. तो रीजन पे मैंने अब तक 3.3 किलोमीटर तक गेन किया है. तो यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर 43 डिग्री और मोटर टेम्परेचर 66 और 61% है बैटरी. अब ये 50% पे आएगा उस वक्त मैं यू टर्न मार के वापस चला जाऊंगा. सिटी में घुसने का ये एक डिसएडवांटेज है, ट्रैफिक ही मिलेगा बस. इसमें थोड़ा ज़्यादा बैटरी खा लेगा फिर. सो इसको हाई स्पीड में चलाने का मज़ा अलग है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्योंकि इसके टायर में अगर आप समझ लो एकदम से पैनिक ब्रेकिंग वगैरह करते हो तो ना तो इसमें ABS वगैरह कुछ भी नहीं है, और ब्रेक दबाने के बाद ना सडनली आपके टायर स्किड कर जाते हैं. तो ये एक दिक्कत इसमें मुझे फील हो रही है. अभी 2-3 बार वैसा ही हुआ, जब मैं पैनिक ब्रेकिंग कर रहा हूँ सीधा टायर स्किड हो रहा है. ब्रेकिंग तो अच्छी है इसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये पीक टाइम में मैं निकला हूँ, इसकी वजह से इतना ट्रैफिक है आज. तो अभी लोगों का ऑफिस जाने का टाइम रहेगा, सो इतना भरा हुआ है इधर आज रोड, हर जगह पे ट्रैफिक. ओके सो ऑलराइट. सो अभी ऑलमोस्ट मैंने 40 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी भी रेंज इसका दिखा रहा है 60 किलोमीटर. तो 60 किलोमीटर मीन्स अभी टाइम बज रहा है 10:34. एक चीज़ करूँगा मैं, यहाँ से यू टर्न मार के वापस रिटर्न चला जाता हूँ, क्योंकि कल की तरह अगर इसका बैटरी जल्दी ड्रेन हो गया ना तो दिक्कत आ जाएगी. और हाइपर मोड पे बहुत जल्दी डाउन भी हो रहा है इसका बैटरी. जितना मैंने किलोमीटर चलाया है तो 41 किलोमीटर चलाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 46% बैटरी यूज़ हो चुकी है. तो अभी 54% और दिखा रहा है. दैट मीन्स घर जाते जाते तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा ख़त्म. तो अभी जिस रूट से मैं आया हूँ वही रूट वापस लेने वाला हूँ, स्टेट हाईवे. तो बैटरी का परसेंटेज हो गया है अभी 20%. तो अभी ये फ़िलहाल तो आ गया है नॉर्मल मोड पे. सो अभी रेंज दिखा रहा है 32 और अब तक मैंने 66.9 किलोमीटर कवर कर लिया है. तो इसका अभी मोड चेंज नहीं होगा, तो अभी मुझे ये नॉर्मल मोड पे चलाना पड़ेगा. अभी यहाँ से मेरा घर ऑलमोस्ट आएगा 15 किलोमीटर. तो 32 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, 20% बैटरी है. तो नॉर्मल मोड में मैं इसको अभी मेंटेन कर सकता हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 60-80, और एक 5% के बाद ऑटोमेटिकली ये स्विच होके अपना इको मोड में आ जाएगा. तो फिर से बोरिंग. आई थिंक मेरे हिसाब से रेंज मुझे मिलेगा ऑलमोस्ट 90 के. फिलहाल तो ये अपना वापस इको मोड पे आ गया है. अभी आई थिंक बैटरी परसेंटेज 15 हो गया इसका. सो रेंज दिखा रहा है 24, 15% पे आ चुका है और ये अपना कन्वर्ट हो गया है इको मोड में. तो 71.3 किलोमीटर कंप्लीटेड. सो अभी इसका जो टॉप स्पीड है 42 से ऊपर नहीं जाने वाला है. अभी भी मेरा यहाँ से घर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रहेगा. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 दिखा रहा था, मीन्स और 14 किलोमीटर का रेंज बच जाएगा. ऑलमोस्ट आई गेस 7% तक तो बच जाएगा. सो सिटी में अभी एंटर कर लिया मैंने और अभी बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 11 और टिल ना आई हैव डन 77.1 किलोमीटर. तो आई थिंक और एक 10 किलोमीटर तो जाएगा ये. तो यहाँ से भी क्या करूँगा, जो भी अभी बचा है 10%, तो वो अभी मैं इसी सिटी में चला के वो ख़त्म कर दूंगा. जब ये 4% पे आएगा तब मैं घर चला जाऊँगा. तो फाइनली वीडियो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे एज यू कैन सी बैटरी परसेंटेज इट इज़ शोविंग 4%. तो 2 किलोमीटर का और रेंज बचा हुआ है. टिल नाउ आई हैव डन 85 किलोमीटर्स और यहाँ पे इट इज़ इन द इको मोड. तो लेट मी शो यू द व्हीकल स्टेटस. सो आज मैंने उसको इतना राइड किया हुआ है, तो 85 किलोमीटर आज मैंने इसको टोटल हाइपर मोड पे 66.9 किलोमीटर चली है. उसके बाद में ऑलमोस्ट 20% पे आने के बाद नॉर्मल मोड पे चली गई है. तो 5% में 4
4.1 किलोमीटर चली है इन नॉर्मल मोड। तो उसके बाद में ये इको मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसके बाद मैंने अब तक इसको 14 किलोमीटर चलाया हुआ है इन इको मोड। तो ये था आज का अपना टॉप स्पीड, ये था एवरेज स्पीड, और रीजन पे 6.4 किलोमीटर तक मैंने इसमें अचीव किया है। सो यस, और तो अभी और 2 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। टोटल किलोमीटर आई हैव डन इज 85 प्लस 2 किलोमीटर रेंज रिमेनिंग, सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 87 किलोमीटर का रेंज इसने मुझे प्रोवाइड किया है इन हाइपर मोड। So that was the video. So I hope you like my today's video, and if you did, then do like the video, share the video, and comment down below if you have any questions regarding the video. Thank you for watching. I hope to see you in my next vlog. Ride hard, ride safe, and as always, wear your helmet. Bye bye. Thank you for watching.